अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट और होस्ट काजी उजैर साहब। काजी साहब, ये बताएं कि इंडिया की जो बैटिंग चल रही है उसमें आप ये कल का बच्चा और यहाँ पे शायद आपको वो निकल निकल के बाहर मार रहे थे, तो ये जो किंग वाला एक ट्रेंड चला हुआ था कि जी किंग है, बड़े एक्सपर्ट हैं, तो आज उनकी एक्सपर्टीज कहाँ पे है? बहुत शुक्रिया अज़र भाई, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है और सब जानते हैं कि हम स्टूडियो में मौजूद हैं। देखें, यही डिफरेंस है। आप कल जो है उनको खिला रहे थे, आप समझे बाहर दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग, पाकिस्तान की दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर शादाब खान, समझ नहीं आ रही थी बॉल कहाँ पे पिच करें, इतनी लंबी आप शॉर्ट पिच गेंदें दे रहे थे, उस पर छक्के मार रहे थे। श्रीलंका की टीम, हम जैसे पहले बात कर रहे थे, अपने विकेट, अपनी जो होम ग्राउंड है उन पर बड़ी स्ट्रांग है, और एक टीन एजर लड़का जिसकी अभी पहले ये एशिया कप है उसमें वो बोल्ड मार रहा है अपना रोहित शर्मा को, उसमें वो विराट कोहली की विकेट हासिल कर रहा है, शुभमान गिल जैसे सेट बैट्समैन को आउट करता है, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस श्रीलंका की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और मेरे ख्याल से ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए शायद ये अच्छा साइन ना हो, हम चाहते थे कि इंडिया मैच जीते, अभी तो बड़ा मैच बाकी है, बट वेला लागे अब श्रीलंका वंडरफुल बॉलिंग, और ये बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है हमारे स्पिनर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि जब आप अपने स्पॉट्स का सही इस्तेमाल करते हैं, आपको अपनी बॉलिंग पे एतमाद होता है, तो फिर चाहे सामने रोहित शर्मा हो, किंग हो, कोई भी हो, आप विकेट हासिल करते हैं। अच्छा गाइस भाई, कंपैरेटिवली मैं तो कोई बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, ना मैं क्रिकेट से इतना मेरा लगाव है, बट इनकी डिलीवरीज में मुझे एक इंफरादियत नज़र आ रही है। हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग में इस तरह की डिलीवरी परफॉर्म हो ही नहीं रही थी, वो बड़ा इजीली खेल रहे थे, खुल के मार रहे थे, और यहाँ पे टेक्निकल बॉलिंग भी देखने को मिली है, तो क्या समझते हैं कि ये बॉलिंग लाइन में श्रीलंका जो है वो फॉर्म में है, और ये यंगस्टर है, इनके अंदर कितनी एनर्जी है, क्या रेटिंग देते हैं, क्या आपका इसका मानना है? देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो चीज़ें मैं बताऊँगा इस पर बात करने से पहले। एक ये कि टॉस ने वहाँ पर धोखा दिया बाबर आजम को, आज टॉस ने धोखा दे दिया रोहित शर्मा को, बाबर आजम ने टॉस जीत के बॉलिंग की धोखा दे दिया, आज रोहित शर्मा ने बैटिंग की और वो आउट हो गए ऊपर से। एक तो टॉस, फिर टॉस के बाद चूंकि आप थोड़ा सा ये नहीं होता, हम समझते हैं टॉस जिसने जीत दिया मैच आता वो जीत जाता है, ऐसा नहीं होता, टॉस हारने वाली टीम का अपर हैंड हो जाता है जब आप अर्ली विकेट्स हासिल करते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी स्पिनर्स नो डाउट वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन जैसे हम शुरू से कहते आए हैं, शादाब खान की फॉर्म नहीं चल रही, आप उनको चेंज करें, उसकी रिप्लेसमेंट आपके पास उसामा मीर मौजूद हैं, आपने उसामा को चांस नहीं दिया। अगर शादाब खान 70 रन 10 ओवर में खा जाता है तो उसामा मीर खा जाएगा, लेकिन एक बड़े मैच में उसको कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा, बड़े प्लेयर के खिलाफ खेलेगा जो आगे आपको वर्ल्ड कप में काम आएगा। वेला लागे, अब श्रीलंका की टीम जहां भी वर्ल्ड कप आज या कल वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान करती है, वेला लागे आपका जो 19 साल का बच्चा है वो ऑन टॉप होगा, तमाम स्पिनर में सबसे पहले इसको पिक किया जाएगा। द लेसन इज कि आप जब अपने राइट स्पॉट्स का इस्तेमाल नहीं करते, आप अपना एंड सही यूज नहीं, कप्तान को ही नहीं कहते कि मैंने इस एंड से बॉल करनी है, यहाँ पे पैचेस ज्यादा है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं जब आपको गेम अवेयरनेस होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सीखने का एक जो है वो मौका है पाकिस्तानी स्पिनर्स के पास कि किस स्पॉट्स के साथ और किस माइंडसेट के साथ बॉलिंग करनी चाहिए। थैंक यू भाई, वी आर कनेक्टेड, इंशाल्लाह फिर अपडेट देते रहेंगे व्यूअर्स आपको। थैंक यू, थैंक यू।